सरकार से मेरी हाथ जोड़ कर यही विनती है कि सरकार बहुत जल्दी जल्दी सतगुरु को, मेरे दाता को, रहवर को बहुत जल्दी जल्दी बाहर करे और बाहर करके और लोगों का भला सतगुरु के भगवान। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। जनता से बात करते हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा के लिए सवाल करते हैं जनता का आज क्या कहना है। हम लगातार डेरा सच्चा सौदा वे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा का सच क्या है, जनता उनके बारे में क्या कहती है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, अलग अलग एरियाज में हम जा रहे हैं और सवाल करते हैं जनता उनके बारे में आज क्या कहना चाहती है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। मेरा नाम है श्री हिम्मत सिंह इंसा। हिम्मत सिंह जी क्या काम करते हैं? मैं PWD में सुपरवाइजर था। पिताजी ने जो हमें सिखाया, जो हमें बताया, हम उसके अनुसार चल रहे हैं, चलते रहेंगे। और पिताजी ने हम पे बहुत दया मेहर कर दिया। हमारे कितने बिगड़े हुए काम हमारे सुधारे हैं पिताजी ने, जो हम नहीं, जिन्हें सोच नहीं सकते, वो पिताजी ने हमारे सब काम बनाए हैं। पिताजी बहुत महान हैं। पिताजी जो करते हैं वो समाज के लिए जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये तो ये थी चाल थी जो हमारे पिताजी को फंसाया। ऐसे नहीं फंसाना चाहिए था, ये बहुत गलत करा है हमने। ऐसे संत के लिए जो कर दिया वो बहुत गलत कर दिया, इसमें जो है उनकी बहुत बड़ी गलती है। गुरु जी ने समाज के लिए किस तरह के काम किए हैं? पिताजी ने हर समाज के लिए काम किया है। पैसा वृद्धि बहुत ज्यादा थी, उस पर अंकुश लगवाया और नशा, दुनिया भर का शराब पीना, मांस खाना, ये लोग जो रात और दिन अपने घर परिवार में लड़ाई दल्ला करना, मारा पीटी करना और बड़ी बड़ी जो है दिक्कतें आई सबसे, जो पिताजी के दर्शन के लिए पिताजी के पास गए तो सबका जो है उन्होंने भलाई के बारे में उन्हें समझाया, कहा, तो आज जो है जनता बहुत ज़्यादा खुशहाल है और सब जो है पिताजी के चरणों में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। यही जो है मेरी बार बार जो पिताजी से यही विनती है, पिताजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिताजी को जो गलत फंसाया है, पिताजी को गवर्नमेंट सोचे, बहुत जल्दी जल्दी जनता के बीच पिताजी को भेजे और वो जो जनता बिगड़ी हुई है, जो जनता परेशान है, दुखी है, वो जो है उनकी उन्हें बहुत ज़्यादा चाहत है, तो पिताजी बहुत जल्दी जल्दी बाहर आए। जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में आपको क्या लगता है? जो पिताजी पर आरोप लगाए हैं वो बहुत गलत है। एक भी आरोप कोई अगर साबित कर दे तो मैं जिंदा जमीन में गलने के लिए तैयार हूँ। जो आरोप लगाए वो सारे गलत है, पिताजी पे आरोप लगाने नहीं चाहिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे हमारे साथ सुपरवाइजर जिन्होंने बताया क्या है रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा का। वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का किस तरह से आज भी जनता गुरु जी के साथ है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आपकी क्या राय है जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट, आई सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।